साहित हलेट ते तुहाडा स्वागत है जी। उम्मीद करदा कि तुसी सारे चढ़दी कला च होवोंगे। आओ दोस्तो, अज दी वीडियो दे विच महापुरख श्री मान संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा साहब वाले इन्हां दे पवित्र जीवन दे विचों एक साखी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां। इह उस वेले दी घटना जदों कि बाबा जी नूं दसम पातशाह कलगीधर पिता जी दे प्रत्यक्ष दर्शन होए सन। परिवार ने फसल की राखी करन अते वेले कुवेले ठहरन लई खेत विच ही एक छोटा जिहा कोठा बनाया होया सी। बाबा जी भी अक्सर जदों वेल हुंदा जां एकांत विच भजन करना हुंदा तां इस कोठे अंदर आ विराजदे हुंदे सन। बाबा जी ने दस्या कि जेठ दे महीने विच काफ़ी ज़्यादा गर्मी पै रही सी। असीं कमरे अंदर मूल मंत्र दा जाप कर रहे सां। बूहा खुलिया, एक बड़े नूरानी चेहरे वाला गुरसिख अंदर आया। असां दोहां ने सतगुरु जी की बख्शी फतेह नाल सांझ कीती। उपरंत उस गुरसिख ने कहा कि दसवें पातशाह जी तुहानू दर्शन देने लई आ रहे हन। मन विच बड़ा चाओ पैदा होया। काली नाल असीं दोवें बूहे तो बाहर आ गए। पछम दिशा वल थोड़ी दूर की दिसिया कि सतगुरु साहब जी घोड़े ते सवार हन ते नाल चार सिंह होर हन। सतगुरु साहब जी नेड़े आ गए, घोड़ा खड़ा हो गया। बड़ी निम्रता सहित मैं सतगुरु जी दे चरणा ते जो कि रकाब दे विच सन नमस्कार कीती। सतगुरु जी थोड़ा मुस्कराए अते अगां तुर पए। थोड़ी दूर ही गए कि दर्शन अलोप हो गए। मन विच बड़ी हैरानी हुई। वह गुरसिख जो पहले गुरदेव जी दे आउण दी खबर देण आया सी मेरे पास ही खड़ा रहा। उसने कहा, भाई हरनाम सिंह जी, तुहानूं तां अत्यंत खुशी होनी चाहीदी सी, पर तुसीं हैरान ते दिलगीर हो, की कारण है? आप जी ने दस्या कि मैं उस गुरसिख नूं बेनती कीती कि मैं दिलगीर इस करके हाँ कि सतगुरु जी ने दर्शन भी दिते पर बचन कोई नहीं कीता। गुरसिख ने उत्तर दिता कि सतगुरु जी तुहाडी भजन बंदगी उपर बहुत प्रसन्न हन, जिस करके तुहानूं दर्शन दिते हन। बचन इस करके नहीं होए क्योंकि तुसीं नितनेम विच जाप साहब का पाठ नहीं करते। मैं कहा कि जाप साहब का पाठ कठिन होने कारण मैं नहीं करता। श्री सुखमनी साहब आसा जी की वार तां हर रोज़ करता हाँ। गुरसिख ने उत्तर दिता कि जो सतगुरु जी का हुक्म है उसनों पूरा करना अत जरूरी है। कोई सिख नितनेम की बाणी नूं छड के होर अपनी मर्जी नाल जिनी बाणी मर्जी पढ़ लवे, गुरु साहब जी की उसते पूरी खुशी नहीं हुंदी। जो पंजां प्यारियां द्वारा दसे सतगुरु के हुक्म नूं पूरा करके फिर होर सिमरन भजन करता है, बाणी पढ़ता है, सतगुरु जी की उसते बेअंत खुशी हुंदी है। जो हुक्म मनण विच ढिल करता है गुरु साहब जी की पूर्ण बख्शिश तो वांझा रह जाता है। उस दिन तो भावें किन्ना भी चिर लगे, सहजे सहजे हर रोज़ जाप साहब का पाठ नितनेम विच शामिल कर लिया ते थोड़ा थोड़ा करके जबानी कंठ कर लिया। गुरबाणी भी हुक्म मनण की प्रोड़ता करती है। हुक्म मन्ने हुए प्रवान तां खसमे का महल पाए सी। जिमें बाबा लहणा जी ने सतगुरु नानक देव जी का हुक्म मन्या, जो सतगुरां ने हुक्म दिता उसनू सिर मत्थे ते रख के उसकी कमाई करके विखाई। हुक्म मनण दा सदका सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने बाबा लहणा जी विच अपनी जोत टिका के बाबा लहणा जी तो गुरु अंगद देव साहब जी बना दिता। सारे सतगुरां दा इतिहास साढ़े सामने है, जिन्हां हुक्म मन्या वह प्रवान चढ़ गए। गुरसिख लई पंजां प्यारियां द्वारा मिलिया उपदेश गुरु हुक्म है, इसलिए ढिल कीत्या गुरु जी की पूर्ण खुशी तो वांझे रह जाइदा है। बहुत धन्यवाद।